नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे बोल दें ये दो शब्द, जो मांगोगे वो मिलेगा, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपत्ति अगर इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रहे विलंब दूर हो जाते हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं और वह जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे पूजा करते समय अगर आप ये दो शब्द का मंत्र बोल देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश हो जाएगा और पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत साथ देने लग जाएगी। आज के दिन यानी कि आपको जन्माष्टमी की रात्र को आपको यह दो शब्द का मंत्र जरूर बोल देना है पूजा करते समय। इससे माता लक्ष्मी जी भी कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी जी के आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। घर में धन धान की कमी नहीं होती, पूरे साल जमकर पैसा आता है, पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। माँ लक्ष्मी आपने भक्तों को धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे दूर कर देती हैं और धन का आगमन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र तो प्राप्त नहीं हो रही लेकिन अष्टमी तिथि मध्यरात्रि को यानी कि 18 अगस्त को रहेगी और उदया तिथि के हिसाब से 19 अगस्त को भी अष्टमी तिथि रहेगी। इसीलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना अधिक शुभ रहेगा। रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त की रात्रि 12:03 से रात्रि 12:47 तक रहेगा। मध्य रात्रि में ही जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर पूरे कई सौ साल के बाद यानी कि 125 साल के बाद कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों पर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। फिर आप यानी कि रात्रि को 12:03 से 12:47 के बीच जब आप पूजा करेंगे, निशिता काल में पूजा करेंगे, तभी आपको यह दो शब्द का मंत्र बोल देना है। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजा पाठ करते समय यह दो शब्द का मंत्र अगर बोल देते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई कष्ट नहीं रहेंगे और पूरे साल जमकर पैसे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बोलना क्या है आप बड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा कहकर लड्डू गोपाल को आप झूला झुलाएं और फिर आप पूजा करें। झूला झुलाएं, रात्रि में आप उन्हें झूला झुलाते हुए ऐसा जरूर बोलें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये जरूर दो शब्द आप बोलें। और साथ ही साथ आपको सबसे प्रिय यानी कि उनका मंत्र जय श्री कृष्ण या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, इस सबसे प्रिय मंत्र को जरूर आप जपें जन्माष्टमी की रात्रि को। आपको बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। या फिर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप यानी कि ये दो शब्द का मंत्र भी बोल सकते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवम, इस प्रकार से भी आप ये मंत्र बोल दें, नहीं तो आप ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः या ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का भी आप जाप करें, यानी कि आपको इनमें से कोई भी आपको दो शब्द का मंत्र जरूर बोल देना है। आपको कुछ बोले ना बोले, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा जरूर कहें आपको, यानी कि रात्रि में 12:03 के बाद और 12:47 के बीच, यानी कि इस 44 मिनट की अवधि में आपको रात्रि 12 बजे के बाद जरूर आपको ये दो शब्द का मंत्र बोल देना है और झूला झुलाना है कन्हैया लाल जी को। यानी कि इस तरह से आप पूजा पाठ करें और ये दो शब्द का मंत्र बोलें, भगवान श्री कृष्ण आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे, माता लक्ष्मी कृपा पूरे साल बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन धान के भंडार भरे रहेंगे और धन के स्रोत बिजनेस व्यापार नौकरी में तरक्की के योग बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जरूर आप ये दो शब्द जरूर बोलें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।